आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल ने प्रियंका के खिलाफ षड्यंत्र रचा। 4 जून के बाद कांग्रेस में होगी एक और टूट, ये कहा गया है। और एक कांग्रेस होगी राहुल गांधी की और एक होगी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी षड्यंत्र जानती हैं, ये कहना है प्रमोद कृष्णम का। राहुल का रायबरेली से लड़ना गलत फैसला है, राजा भाग जाता है तो सेना हार मान लेती है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे और अब उन्हें कांग्रेस बदली बदली नजर आती है, उनकी तरफ से बयान दिया गया, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। के बड़े करीबी रहे हैं, चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, फिर फैसला हुआ कि राहुल गांधी अकेले लड़ेंगे, फिर लास्ट में फैसला हुआ कि अमेठी छोड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है और उस साजिश का शिकार प्रियंका गांधी हुई है। जहां तक राहुल गांधी जी के अमेठी छोड़ने का विषय है, तो राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ करके ये मैसेज दे दिया है कि वो अच्छे सेनापति नहीं है और उसका इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी के वर्कर पे, कांग्रेस के तमाम सपोर्टर्स पे इतना पड़ रहा है कि जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी राउंड के मतदान तक कांग्रेस के और बहुत कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना करेंगे, क्योंकि जब सेनापति युद्ध छोड़ देता है तो फिर सैनिक भी साथ छोड़ देते हैं। कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी के सपोर्टर्स हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि प्रियंका गांधी का जो अपमान हो रहा है वो राहुल गांधी जी का जो एक चौकड़ी है, उनका जो एक गैंग है, वो नहीं कर रहा है, उस गैंग के जो सरदार हैं वो खुद राहुल गांधी हैं। और 4 जून के बाद जो भीतर दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है वो फटेगा और आप देखेंगे कि कांग्रेस तोफाड़ हो जाएगी। कांग्रेस में एक और स्प्लिट होगा, एक कांग्रेस होगी राहुल जी की और एक कांग्रेस होगी प्रियंका जी की।